हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चले बच्चे, फटाफट जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे मेरे बच्चे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हों, बहुत शिद्दत से लगे होंगे बेटा, ठीक है। तो आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बच्चे, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 9 जो होता है हमारा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हम बोल रहे होते हैं उपसंयोजी यौगिक बोलते हैं, या फिर उपसंयोजन यौगिक भी बोलते हैं बेटा, तो कुछ इस तरीके से इसका नाम को जाना जाता है। अब बच्चे के दिमाग में ये आता है कि सर ये जो चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा मेरे को डिफिकल्ट महसूस होती है भैया, इसको करने में मेरे को थोड़ा सा दुख होता है सर। तो उसी दुख को बेटा हम लोग दूर करने के लिए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत गजब तरीके से इसको फोड़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चे, फटाफट जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चे, हम बात कर रहे थे भैया उपसंयोजी यौगिक, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चों को अगर मैं भैया, ठीक है, आपको कभी भी बोल दूं कि भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे मुंह से निकल जाए, तो बेटा कोई भी यहां पे कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं भैया उपसंयोजी यौगिक को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है बच्चे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। क्या है बच्चा, कि हम पढ़ाते वक्त बहुत से ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हैं, कहने का मतलब ऐसे इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं जिससे बच्चों को समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन बच्चे, मैं तो आप लोग को पूरा बताते आ रहा हूं कि कैसे हमको जो है सारी चीजें समझनी होती है। तो चलिए बच्चे, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात की अपन, अब बच्चों के दिमाग में ये आता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आखिर होता क्या चीज है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना बच्चा, सिंपल सी बात है, सिंपल सा, हम जब कंपाउंड जो बनता है, हमारा जो यौगिक जो बनता है, वो क्या होता है, दो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। तो वही तो हम यहां पे भी यौगिक बने, लेकिन यहां पे एक वर्ड आ रहा है सिंपल सा, वो कोऑर्डिनेशन बात कर रही है। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन में क्या होता है बेटा, एक बॉन्ड आता है, जैसे कि आपको पता है आयनिक बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बंध होता है, आयनिक बंध होता है, उनके बीच में एक और जो है बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मतलब सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं बेटा, सहसंयोजी बंध। इसके समझने का बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका बेटा, मैं आपको बताता हूं, ध्यान समझना। इसके किसी कॉन्टे पे लिख लेते हैं, इधर लिख दें भैया, चलो इधर ही लिख लेते हैं। अब देखो, सपोज मान लो भाई कि हमारे पास एक एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा। अब इसके पास बी है, एक और एलिमेंट बी है, इस एलिमेंट के पास भी है दो इलेक्ट्रॉन बाकी है, इस दो इलेक्ट्रॉन को जब ये शेयर करेगा, दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है ए को दे देगा, तो ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा बेटा। ये क्या करेगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, ये बी जो है ए को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, बी जो है एक इलेक्ट्रॉन ए को दे दिया, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को ही हम लोग बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, उपसंयोजी बॉन्ड, उपसंयोजी बंध बोल देंगे। सिंपल सी बात बेटा, एकदम सिंपल, सारे बच्चों को क्लियर है। तो उपसंयोजी बंध के बारे में समझ आया, ये जो उपसंयोजी बंध जो होता है ना, सहसंयोजी बंध की तरह ही होता है, मतलब कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है उसी की तरह बनता है, और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, साझेदारी से यह बंध बनता है। क्लियर सारे बच्चे के, छोटी बात अगर मोटी बात है भैया, ये थोड़ी थोड़ी चीजें हमको जी बहुत ऊंचाई तक लेके जाती है। क्लियर सारे बच्चों को, अब देखो ये सारे फंडे सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, उम्मीद मैं कर रहा हूं। अब बच्चे, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये जो बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, उसको हम अगर मैं बोलूं कि हम भैया योगशील यौगिक के आधार पर, क्या बच्चे, योगशील यौगिक के आधार पर, ठीक है, अब बुक में देखोगे बेटा तो वहां पे लिखा होता है योगशील यौगिक, तो उसी योगशील यौगिक के आधार पर इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग होता है बच्चा, पहला जो भाग होता है वो हमारा होता है द्विकलवन। क्या होता है बेटा, द्विकलवन, द्विकलवन, पहला जो भाग होता है हम इसको बोलते हैं द्विकलवन, और दूसरा जो पार्ट होता है बच्चे, उसको हम बोल रहे होते हैं उपसंयोजी यौगिक, उपसंयोजी यौगिक, ठीक है बेटा। अब हमको पढ़ना क्या है यहाँ पे, हमको द्विकलवन थोड़ी सी तो जानकारी होनी चाहिए कि आखिर द्विकलवन क्या है, लेकिन हमको पढ़ना मेन क्या है बच्चा, उपसंयोजी यौगिक, आखिर उपसंयोजी यौगिक जो है होता क्या चीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। एकदम सिंपल से मैं आपको एग्जांपल दूंगा बस, जिससे सारी की सारी चीजें बच्चे आपकी क्लियर हो जाएगी, एकदम जबरदस्त क्लियर होगी, ठीक है। चलो बच्चे देखते हैं, देखो क्या होगा भैया, द्विकलवन क्या होता है, इसको हम इसको डबल सॉल्ट बोलेंगे, द्विकलवन मतलब डबल सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे सहसंयोजी यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है। अब बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान समझना। एक होता भैया मोहर लवन, क्या बेटा, मोहर लवन, इसका एग्जांपल दूंगा मैं अभी, रासायनिक अभिक्रिया लिखाऊंगा कैसे चीजें होती है। देखो बच्चे, फिलहाल समझ लो कि हमारे पास एक मोहर लवन होता है, क्या बेटा, एक मोहर लवन होता है, मोहर सॉल्ट होता है, उस सॉल्ट को अगर मैं वाटर में घोल दूं, उस सॉल्ट को, उस लवन को अगर मैं वाटर में घोल दूं, तो उसमें जो अवयवीकरण होते हैं जिससे वो लवन बना रहता है, उस अवयवीकरण जो होते हैं, वो अवयवीकरण अलग अलग जो है अवयवीकरणों में विभक्त हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला, जो अवयवीकरण होते हैं जिससे मोहर लवन बना होता है, अगर इसको वाटर में घोल दूं, पानी में घोल देता हूं, तो क्या होता है, उसमें जो अवयवीकरण रहते हैं वो वियोजित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं।
समझा बेटा। तो ये जो प्रोसेस होता है इससे डिसोसिएट होने से क्या फायदा होता है, अब देखो ये जो मोहरल बंध जो बना रहता है और जिससे जो बना रहता है बेटा अभिकर्ण, उसके पहचान में उसकी आइडेंटिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो वो हमारा क्या कहलाता है, द्विकलवन कहला रहा होता है। अब सिंपल सी बात बच्चे, जो हमारा मोहलवन है अव्यवीकरणों से मिलकर बना है, उसमें अव्यवीकरणों को जब मैं पानी में डाला, ठीक है, इस मोहलवन को पानी में डाला, तो वो अपने अव्यवीकरण में विभक्त हो गए, लेकिन अव्यवीकरण में विभक्त होने के बाद उसकी आइडेंटिटी में उसकी पहचान में कोई भी किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं द्विकलवन। क्या बोलते हैं बेटा, डबल सॉल्ट द्विकलवन बोल रहे होते हैं, एकदम क्लियर सारे बच्चों को। अब उपसंयोजी यौगिक की मैं बात करता हूं, इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कैसे चीजें होती है, फिलहाल समझ लो कि उपसंयोजी यौगिक कैसे होती है। यहां पर पहचान नहीं खो रहा था, लेकिन बच्चे यहां पर जो कंपाउंड बनता है, यहां पर जो यौगिक बनता है, उस यौगिक में उसको अगर मैं जल में घोल देता हूं तो उसमें जो अयौगिक होते हैं, उसमें जो अव्यवी कण होते हैं, वो अपनी पहचान खो देता है। क्या करता है बेटा, वो अपनी पहचान जो है खो देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपसंयोजी यौगिक। और हमको यही चीज अभी पढ़नी है, समझ आया बेटा, ये क्या हमारा उपसंयोजी यौगिक। यहां पर आपको कुछ इस तरीके से लिखता है K4, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चा, ठीक है, CN6, कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, पूरे चैप्टर में पूछे कुछ इस तरीके से कंपाउंड्स दिखेंगे, यही हमारे क्या होते हैं, सहसंयोजी यौगिक। आपको आगे बढ़ाते हैं, देखो बच्चे क्या है हमारा, देखो ध्यान समझना, द्विकलवन क्या होता है, द्विकलवन भैया ऐसे यौगिक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं परंतु जल में घुलकर सरल अव्यवी कणों में विभक्त हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं बेटा, वियोजित हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं द्विकलवन, जालक यौगिक कहते हैं। सिंपल बात, मोहर लवन का एग्जांपल दिया जिसका होता है बेटा Fe(SO4) ट्वाइस NH4SO4 6H2O, इसको मैं जल में घोल दूंगा तो मेरे को जो है Fe2+ NH4 और SO2- चार्ज मेरे को मिलता है और इसकी आइडेंटिटी बनी रहती है, ठीक है, समझ में। आगे बढ़ते हैं, अब देखो उपसंयोजी की मैंने बात किया, तो ऐसे आणविक यौगिक यौगिक जो द्रव जो ठोस और विलेय अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, किसे बेटा, ठोस या विलेय प्रवस्था में अपनी पहचान जो है बनाए रखते हैं, लेकिन जब वाटर में जाता है तो इसकी पहचान खो देते हैं, अपनी पहचान क्या करते हैं, वो खो देते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं, उपसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। ये आपके कुछ फंडे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको आपको जानना चाहिए, मेरे हिसाब से तो जानना चाहिए बच्चा, ठीक है, तभी तो हम चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे ना, समझ में आया। चले बच्चे फटाफट आगे बढ़ते हैं, अब बच्चे हमको कुछ बहुत बेहतरीन और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जाननी है, वो चीज अगर जान लोगे तो ये चैप्टर बहुत मक्खन तरीके से एकदम क्लियर हो जाएगी, समझ में आया सारे बच्चे। तो देखो बच्चा पहले चीज मैं बोलूं, क्या बढ़िए थे हम भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हुआ था K4, ठीक है, K4, चलो बच्चा इस K4 को हम लोग पहले हटा देते हैं जिससे हमको चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अब बच्चे ये जो आपको ये डब्बा दिख रहा है, ठीक है, ये जो डब्बा दिख रहा है, डब्बा कहने का मतलब भैया इसको मैथमेटिक्स में ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, डब्बा नहीं बोल देना। अब ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट को ध्यान से सुनते जाना, मैं उसके बाद उसके डेफिनेशन के फॉर्म में बात करूंगा कि कैसे उसको लिखते हैं, समझ में आया बच्चा, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि भाई ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, ये ब्रैकेट को हम बोल दे क्या है, तो ये ब्रैकेट को ना बच्चे हम लोग बोलते हैं क्षेत्र, क्या बोलते हैं बेटा, क्षेत्र या फिर मंडल, क्षेत्र या फिर मंडल या फिर बच्चे समन्वय क्षेत्र, क्या बेटा, समन्वय क्षेत्र, क्लियर सारे बच्चों को। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्षेत्र या फिर मंडल या फिर बेटा समन्वयन, क्लियर है बच्चा। ये जो डब्बा दिखता है, ये जो ब्रैकेट दिखता है, उसको हम लोग ये सारी चीजें बोलते हैं, ठीक है। अब लिखते कैसे इसको ध्यान समझना, उपसंयोजी में उपसंयोजी या समन्वय क्षेत्र या फिर मंडल होता है। अब इस मंडल में, इस समन्वय मंडल में केवल क्या होता है, एक जो है केंद्रीय धातु होती है, क्या बच्चे, एक केंद्रीय धातु होती है, उस केंद्रीय धातु में एक उसके साथ केंद्रीय धातु के साथ जो एक लिगेंड जो है बंधा रहता है, एक लिगेंड जो है बंधा रहता है। अब मैं बात कर दिया बच्चे यहां पे केंद्रीय धातु की भी बात कर दिया, अब लिगेंड की भी बात कर दिया, तो सारे सारे धीरे धीरे आएंगे, हौले हौले तरीके से आएंगे बच्चे, समझ लो पहले चीज को, ठीक है। अब देखो यहां पर जब मेरा जो क्षेत्र था, जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में बेटा जो L लिखा हूं, मैं ये जो L लिख दिया, तो ये मेरा होने वाला है लिगेंड, क्या बच्चा, इस ब्रैकेट में मैं लिखूंगा तो वो मेरा होता है लिगेंड, क्या बच्चा, लिगेंड लिख देता हूं यहां पे, ध्यान से देखना, ये मेरा क्या होता है लिगेंड, ठीक है, ये मेरा होता है लिगेंड, क्लियर है सारे बच्चों को, लिगेंड होता है, ठीक है। अब इस लिगेंड में जब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, क्या बेटा, यहाँ पे अगर n लगा होता है, n की वैल्यू 4, 5, 6 जैसे भी चाहे वो हो सकती है, मतलब वो कंपाउंड के हिसाब से होती है भैया, ठीक है, आपकी मर्जी मत चला देने दे, ठीक है। जो n होता है बेटा, जो n होता है वो n क्या बताता है हमको, कोऑर्डिनेशन नंबर को बता रहा होता है, मतलब समन्वयन संख्या को बता रहा होता है, क्या बेटा, समन्वयन संख्या को बता रहा होता है, क्लियर है सारे बच्चे। कॉपी में नोट करते जाइएगा बेटा, एकदम शॉर्ट तरीके में, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, एकदम जबरदस्त तरीके से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, समझ में आया बच्चे। देखो ध्यान से, जो हमारा एन होता है कोऑर्डिनेशन नंबर को बताता है, जो एल होता है वो लिगेंड को बताता है। इस एल में एक हमारे पास एक मेटल होता है, क्या बेटा, मेटल,
ठीक है, सेंट्रल मेटल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु आयन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, केंद्रीय केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन। तो इसको बोलते हैं बेटा केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल मेटल एटम। तो ये सेंट्रल मेटल एटम और कुछ इस तरीके से एक जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कुछ इस तरीके से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं उपसहसंयोजी, उपसहसंयोजी यौगिक। क्या बोल रहे हैं बेटा, उपसहसंयोजी यौगिक। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आए सारे फंडे बच्चे, मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताया। अब इसके डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि कैसी चीजें होती है, ये सारी चीजें पता चली। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये जो केंद्रीय धातु ना वो क्या चीज होती है, केंद्रीय धातु जो वो क्या चीज होती है, ये जो लिगेंड दिखे आपने कुछ तो सुना सा लग रहा है लेकिन जो है इसको बोलते कैसे, समझते कैसे, समझाऊंगा बच्चे एक एक चीजें जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। बस बच्चे आप क्या कीजिएगा, अपना सपोर्ट जो है बनाए रखिए और जिसको भी जो भी चीज को दिक्कत होती है बेटा वो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए भैया कि सर हमको इस टॉपिक में, इस कंसेप्ट के ऊपर हमको दिक्कत आ रही है, इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है बच्चा, बस इतनी काम करनी है आपको। अब देखो बच्चे ये हमारा क्या बना, उपसहसंयोजी यौगिक बना। अब बच्चे देखो ध्यान से, यहाँ पे केंद्रीय धातु को हम लोग कैसे लिखेंगे, एक समन्वय संख्या या फिर समन्वय क्षेत्र या फिर मंडल में धातु परमाणु आयन जो निश्चित संख्या में आयनों समूहों के द्वारा निश्चित ज्यामिति में, निश्चित ज्यामिति में क्या बेटा व्यवस्था में जुड़े रहते हैं, इसको हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन बोल रहे होते हैं। क्लियर बच्चे, केंद्रीय धातु आयन या फिर परमाणु बोल रहे होते, जिसे मैंने एम से लिखा था, जिसे मैं एम से लिखा था। क्लियर बच्चा, एम से लिखा था। अब बच्चे को ध्यान में आ रहा होगा कि यहाँ पे बेटा हम लोग कौन से ऐसे धातु को लेंगे, क्या सोना लगा दे, क्या चांदी लगा दे बेटा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम वहां पे कौन से ऐसे धातु लेंगे। तो याद रखना बेटा, वहां पे केंद्रीय धातु जो आयन थे वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट रखते हैं। क्या बेटा, डी ब्लॉक के एलिमेंट रखते हैं। और क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट रखते हैं बेटा, इसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि डी ब्लॉक जो डी ब्लॉक का जो साइज होता है, एलिमेंट का जो साइज होता है वो छोटा होता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन बेटा, उसमें जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, कहने का मतलब उसमें जो है खाली जो है डी ऑर्बिटल रहता है। डी ऑर्बिटल होता है क्या आखिर में, मैंने आपको डी ऑर्बिटल के बारे में बताया कि भैया डी ऑर्बिटल जैसा ऑर्बिटल होते हैं जहां पे डी ऑर्बिटल पूर्णता भरित नहीं रहता, पूरी तरह वहीं भरे रहते। अब पूरी तरह नहीं भरे बेटा तभी तो उसमें कुछ ना कुछ काम जाम होगा, तभी तो उसमें ट्रांजिशन होता है, संक्रमण होता है, समझ आ रहा है, उसी में तभी तो संक्रमण हो पाता है। तो उसी को हम लोग जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट को ही यहां पे यूज करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट को यूज करेंगे, किसमें, उपसहसंयोजी यौगिक में भैया, या फिर भैया केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयंस में। क्लियर है बच्चे को, सारे बच्चों को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, देखो बच्चे ये सारे फंडे है भाई, ये सारे फंडे है, जब ये सारी चीजें नहीं समझोगे किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो आपको चीजें नहीं आएंगी क्लियर, समझ में। अगर मैं डायरेक्ट आपको वीवीटी बताऊं, डायरेक्ट आपको आईयूपीएससी बता दूं, तो समझ में नहीं आएगी चीजें भाई, कैसे चीजें करते हैं भाई, वन बाई वन चलेंगे ना भाई, पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो हम लास्ट सीढ़ी तक चढ़ पाएंगे, तो पहली सीढ़ी स्टार्ट करते हैं ना भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं बच्चा हमारा लिगेंड क्या होता है। अब बच्चा लिगेंड क्या होता है, ठीक है, इधर ही मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी चीजें आपको देखने में मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चा, देखो ध्यान से, अगर बच्चे मैं आपको बोलूं देखो हमारे पास क्या है बेटा, मेरे पास एक एम है जो इसको हम बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन। क्या बोलते हैं बच्चा, केंद्रीय धातु आयन। अब मेरे पास एक लिगेंड है, क्या बच्चा, एक लिगेंड है, ये लिगेंड है। अब लिगेंड के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, एकांकी इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब हम बोल सकते हैं लोन पेयर है इसके पास, क्या बेटा, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ये क्या करेगा, लिगेंड जो है इस मेटल को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, क्या कर देगा बेटा, इस मेटल को क्या करेगा, डोनेट कर देगा, त्याग देगा, दे देगा, दान कर देगा। ठीक है बच्चा, दान कर देगा। अब दान करेगा तो इनके बीच में क्या बनेगा बेटा, बॉन्ड बनेगा, जिसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध बोलते हैं। और ये दान करने से क्या होता है, इसके पास जो है चार्जेस आ जाती है। और बच्चे ये चार्जेस की बात नहीं करते फिलहाल, बच्चे ये जो दान करता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में दान करता है, उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग लिगेंड। क्या बोलते हैं बच्चे, लिगेंड, ध्यान से देखना, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोल रहे होते हैं। और ये जो एम लिखा बेटा, ये हमारा क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, को मैं CMA से लिख दिया, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु आयन। सिंपल सी बात है बेटा, एकदम सिंपल, समझ में आया बच्चे को, ठीक है। अब देखो इसको डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, परमाणु उदासीन अणु या आयन, सॉरी ये आपन लिखा बेटा, ये इसको लिखते हैं आयन, ठीक है। क्या होता है, टाइपिंग्स में बहुत सारी गलतियां हो जाती है, इसको समझिए करो, ठीक है। देखो, आयन जो केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा होता है, जिससे लिगेंड या फिर संलग्नी कहा जाता है, इस केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा हुआ है, देख रहे हो, इस जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं लिगेंड। अब लिगेंड क्या करता है बेटा, संयोजी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का एकांकी युग्म होना आवश्यक होता है, जो कि केंद्रीय धातु आयन को दे देता है, दान कर देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा लिगेंड। क्या बोलते हैं बच्चे, लिगेंड। अब एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं जिससे सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। देखो ध्यान से बच्चा, इसको समझने कैसे अपन को, देखो
अगर मेरे पास एक एफ ई है इस CN, ये भैया ये मैं बना रहा हूँ ना, यहाँ पे कहीं पे बुक पे नहीं मिलेगा भैया ऐसा, ठीक है? देखो, ठीक है, ये गलत भी रह सकता है, ठीक है? हाँ, तो हमारे पास मान लो भाई, मान लो ना कि FeCN6 हमारे पास एक कंपाउंड है। उस कंपाउंड में आपको क्या पता चला भैया, ये तो क्षेत्र दिखता है, इसको हम बोलते हैं स्पेयर बेटा। क्या बोलते हैं? क्षेत्र मतलब स्पेयर। यहाँ पे स्पेयर दिख रहा है, इसको हम स्पेयर बोल देंगे। और जो 6 दिख रहा है, ये हमारा क्या है? इस 6 जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है भाई। क्या बच्चा? कोऑर्डिनेशन नंबर है। और ये जो CN दिख रहा है, ये CN क्या है? हमारा लिगेंड है। क्या बच्चा? लिगेंड। पहचानने आएगा सारी चीजें, ये पहचानने आएगा सारे बच्चों को, ये हमारा क्या है? लिगेंड। और जो Fe होता है, ये जो Fe होता है बेटा, ये हमारा क्या कहलाता है? मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, इसको हम बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु। तो कुछ इस तरीके से बच्चा, ये सारी चीजों से हमारा क्या बनता है? एक यौगिक का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं उपसंयोजी यौगिक। एकदम सिंपल ना भाई, मजा आया कि नहीं आया सारे बच्चे? बता दो भाई, ठीक है? अब देखो, सारे बच्चों को ये क्लियर है बहुत अच्छे तरीके से। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चा? कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कितने तरीके के होते हैं। क्या बच्चा? कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं बच्चा? मैं इसके लिए, मेरे को थोड़ी सी क्या चाहिए? जगह की जरूरत है भैया। कहां से जगह लेके आए? देखो बच्चे, कहां से जगह लेके आए? चलो बढ़िया, इधर देख लेते हैं, ठीक है? अब देखो, हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बेटा, उस कॉम्प्लेक्स को मैं तीन भागों में बांट सकता हूं। पहला जो कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, उसको मैं बोलता हूं धनायनिक। दूसरा जो होता है वो हमारा ऋणायनिक, ठीक है? इसको मैं लिख देता हूं धनायनिक, ठीक है बेटा? दूसरा जो होता है मेरा ऋणायनिक, ठीक है? ऋणायनिक। यहां पे बेटा इसको अपन थोड़ा सा इसको जो है कर लेते हैं, ठीक है? ऋणायनिक, धनायनिक, ऋणायनिक। और बच्चे यहां पे होता है उदासीन। क्या होता है बच्चा? उदासीन। अब आपको बोलने से, कहने से सारी चीजें समझ आ जाएगी। धनायनिक मतलब वहां पे जो कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज होंगे। देखो बच्चे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो भैया, मान लो कि FeCN6 कुछ इस तरीके से दिया हुआ कंपाउंड, मान लो यही कंपाउंड है, और यहाँ पे भैया क्या है? प्लस चार्ज है। तो ये मेरा क्या होने वाला है? धनायनिक कंपाउंड होने वाला है, कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ठीक है? अब इसके जगह पे जस्ट हमारा क्या होगा बेटा? यहाँ पे मेरे पास मेटल है, यहाँ पे एक लिगेंड है, ठीक है? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, और अगर यहाँ पे जो है माइनस चार्ज रहेगा तो ये ऋणायनिक होगा। सिंपल बात है, ऋणायनिक होगा। और अगर इसमें कोई भी चार्ज नहीं दी रहती, यहाँ पे लिगेंड है बेटा इस तरीके से, और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं है, प्लस नहीं है, माइनस नहीं, तो वो हमारा क्या होगा? उदासीन कॉम्प्लेक्स होने वाला है, उदासीन यौगिक होने वाला है, ठीक है? अब यहाँ पे जो आपको चीज याद रखनी है बेटा, सिर्फ और सिर्फ ऋणायनिक को याद रखना है। क्या बच्चा? ऋणायनिक को, एनायनिक कॉम्प्लेक्स को याद रखना है, बाकी चीज करने की नीड नहीं है, सिर्फ एनायनिक कॉम्प्लेक्स बेटा, ठीक है? क्या एनायनिक कॉम्प्लेक्स? देखो बच्चे, मैं आपको एनायनिक कॉम्प्लेक्स का एक टेबल बता देता हूं, वो सारी चीज आपको याद होनी चाहिए बस, और कुछ करने की नीड नहीं है। ये हमारा होता है बेटा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या होता है बेटा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब ऋणायनिक यौगिक के बारे में। अगर ये टेबल याद हो गया बेटा, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। और एक सबसे पहले, एक सबसे बेहतरीन बात के बारे में बात करूं, तो आपको जो है, आपको 3D सीरीज जो है, 3D सीरीज जो है, मैं बात करूं बेटा, 3D सीरीज जो है, उसका जो है एक बेहतरीन सा शॉर्टकट लेके आना है बेटा। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, लिखेंगे कि जो 3D सीरीज होता है उसका शॉर्टकट, जो हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, जिसको याद कर सकते हैं, वो ट्रिक सारे बच्चे लिखेंगे। 3D सीरीज कौन होता है बेटा? जहां पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारी चीज आती है ना, वो हमारे 3D सीरीज होते हैं। इसको मैं कैसे याद कर दूं? शक्ति, वक्र, मन, फे, को, नी, कुजन। तो आपके हिसाब से आप अपने जो ट्रिक लीजिए, और जो बेहतरीन ट्रिक होगा बेटा, उसको मैं जो है नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर जो है शॉर्ट आउट देने वाला हूं बेटा। क्या कहना है? शॉर्ट आउट देने वाला हूं, ठीक है? तो आपके सारे बच्चे क्लियर है? अब देखो बच्चे, यहां पे स्कैंडियम और टाइटेनियम और वेनेडियम जो होती है, इसका जो है मेनली यूज नहीं किया जाता, मतलब इसका जो है हम लोग यूज नहीं करते, कहीं पैसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन बच्चे, हमारे पास कुछ बेहतरीन और कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो है कॉम्प्लेक्सेस है, इसको हमको याद करके रखने हैं, समझ लो बेटा। अब देखो, जो क्रोमियम होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारी चीज आपको दिख रही होगी बेहतरीन तरीके से। लेकिन मेरे बच्चे, जब हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो हम लास्ट में ATE लगा देते हैं। क्या बच्चा? ATE लगाते हैं। ATE कब लगाते हैं? जब माइनस चार्ज दिखेगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज दिखेगा, और वहां पे जब ये सारे कंपोनेंट्स होंगे, ये सारे एलिमेंट होंगे, तो हमको ATE लगा देना है सफिक्स में लास्ट में। समझ में आया बेटा? ठीक है, अब देखो लगाएंगे कैसे। यहां पे क्रोमियम है, तो यम को हटा देंगे और एट लगा देंगे। क्या होगा बच्चा? एट लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? क्रोमी
क्रोमेट, क्रोमेट क्या बेटा, पोटेशियम क्रोमेट, यम को हटा देंगे ना अपन तो पोटेशियम क्रोमेट, सॉरी पोटेशियम नहीं यहाँ पे सिर्फ क्या है, पोटेशियम नहीं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रोमेट है, क्या बच्चा क्रोमेट, ठीक है। अब मैग्नीज बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेट, क्या बच्चा मैग्नेट। आयरन की बात करें तो इसको हम बोलते हैं फेरेट, क्या बच्चा फेरेट, ठीक है। तो हमको कुछ इस तरीके से लिखना होगा फेरेट। कोबाल्ट को लिखेंगे कोबाल्टेट, ठीक है कोबाल्टेट। निकिल को लिखेंगे बेटा निकलेट। कॉपर को क्यूपरेट। जिंक को जिंकेट, समझ रहे हो, जिंक को जिंकेट। जो एल्यूमिनियम होता है उसको एल्यूमिनेट, प्लेटिनेट। गोल्ड को बोलते हैं, गोल्ड को ऑरेट बोलते हैं, क्या बच्चा ऑरेट। तो ये कुछ डिफरेंट है उसको मैं लिख देता हूं, यहां पे हम बोलते हैं इसको ऑरेट, ऑरेट, क्या बच्चा ऑरेट, ठीक है। सिल्वर को बोलते हैं अर्जेंटेट, क्या बच्चा अर्जेंटेट, ठीक है सिल्वर को बोलते हैं अर्जेंटेट। कुछ डिफरेंट है बच्चे उसका, मैं जो है मैं नाम लिखा देता हूं, बाकी सारी चीज आप लोग समझ ही जाओगे। अर्जेंटेट, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं अर्जेंटेट। मर्क्यूरी को बोलते हैं मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। टीन को बोलते हैं बेटा स्टेनेट, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमको पता चल जाता है पूरे के पूरे जो आयोनिक कॉम्प्लेक्स होता है उसका नामकरण यहां पे मिल गया। अब बच्चे जो लिगेंड होता है ना, ये तो यहाँ हुआ कॉम्प्लेक्स का नाम, कॉम्प्लेक्स नाम, कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब, जबकि देखो बच्चे यहाँ पे अगर मेरा मेटल है, इस मेटल में एक लिगेंड लगा होगा, और यहाँ पे अगर माइनस चार, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर कुछ भी रहे, अगर माइनस चार दिख गया तो मैं ये कॉम्प्लेक्स मेरे को दिखेगा। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पे दिखेगा बेटा, ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पे दिखेगा, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इस पे। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ दिखेगा, जो मेटल दिख रहा है बच्चे, ये जो मेटल दिख रहा है, इस मेटल के जगह पे मान लो कोबाल्ट लिख दिया ऐसे, तो ये हमारा क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम, मतलब इस सेंद्रीय धातु आयन में ही ये कॉम्प्लेक्स मेरे को दिख रहे होंगे, समझ में आया बच्चे, ये कॉम्प्लेक्स मेरे को दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको दिखा होगा, और यहाँ पे माइनस चार्ज होगा तभी इसका नाम चेंज करेंगे। और मान लो यहाँ पे कुछ भी लिगेंड है, यहाँ पे कुछ भी लिगेंड है, मान लो कि क्या करें अपन यहाँ पे लिगेंड लगा दे, चलो CO CO CN CN 6 कर दे, ठीक है CO CN 6, और ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो मैं क्या करूंगा, 6 का क्या हो जाता है हेक्सा, CN का होता है साइनो, हेक्सा साइनो, और कोबाल्ट का होता है बेटा, कोबाल्ट को हम लोग क्या कर देंगे कोबाल्टेट, क्या कर देंगे बेटा कोबाल्टेट, समझ में आया। तो वही कोबाल्ट अपन को लिखना होगा जब सेंट्रल मेटल एटम में केंद्रीय धातु आयन ये सारे एलिमेंट दिखे, यहाँ पे भी माइनस चार्ज भी दिखे, तो हम इसको कुछ इस तरीके से चेंज करते हैं। और जब आप बुक खोल के देखोगे बेटे तो आपको पूरा का पूरा संसार दिख जाएगा, मतलब कि भाई वहां पे सारी की सारी चीजें दिख जाएगी बहुत बेहतरीन चीजें से, समझ में आया बेटा। तो आपको सारी चीजें याद करके रखनी है और सारी चीजें अपनी कॉपी के अंदर नोट होनी चाहिए। अब बच्चे हम लोग जो है मूव ऑन करते हैं भैया लिगेंड के ऊपर, मतलब जो लिगेंड होता है, जो लिगेंड होता है वो कितने तरीके के होते हैं। तो बेटा हम लोग मेनली दो तरीके में बात करेंगे, पहला वहां पर रिनायनिक धनायनिक सब होता है, लेकिन हम सिर्फ दो तरीके के ऊपर बात करेंगे। पहला जो होगा वो होता है रिनायनिक लिगेंड, दूसरा जो होता है भैया उदासीन लिगेंड, क्या बच्चा, पहला जो तरीका होता है रिनायनिक लिगेंड, और दूसरा जो तरीका होता है, दूसरा जो तरीका होता है बच्चा वो क्या होता है हमारा रिनायनिक लिगेंड और उदासीन लिगेंड, ठीक है। तो हम दो चीजों के ऊपर बात करेंगे, तो इसको बच्चे फटाफट जो अपने कॉपी के अंदर पहले इसको जो है नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चले बच्चे, तो हमको जो है पूरा का पूरा जो लिगेंड है उसके बारे में पता चल गया कि भैया लिगेंड क्या होता है, अब कैसी चीजें होती है। अब वहां पे बच्चे मैंने कॉम्प्लेक्स बताया, वहां पे कॉम्प्लेक्स के बारे में भी पता चल गया कि जो हमारा आयोनिक कॉम्प्लेक्स होता है जो 3D सीरीज वाला, वो कैसे कैसे चीजें होती है। अब बच्चे हमको ये समझना है कि जो लिगेंड के जो टाइप होते हैं, जो प्रकार होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। जब बच्चे आप लोग जो अपना बुक खोल के देखोगे तो वहां पे भाई बहुत सारे प्रकार मिलते हैं, मतलब वहां पे मोनोडेंटल लिगेंड, बाइडेंटल लिगेंड जिसको हम बोलते हैं, एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, साथ ही साथ त्रिदंतुर लिगेंड, है ये जो लिगेंड जो होता है 6 तक चले जाते हैं बुक के अंदर जब। लेकिन बच्चों हमको इतना सारा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको भैया थोड़ा सा जो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बहुत अच्छे तरीके से एकदम कंसाइज वे में पढ़ने की जरूरत है। तो मैं बच्चे आपको सिर्फ और सिर्फ भैया प्रकार में बच्चे एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई हमको सिर्फ डेंटिसिटी के बारे में पता होना चाहिए भैया। क्या इसके बारे में, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का मतलब भैया कि क्या होता है, सिंपल से ध्यान से सुनना, डेंटिसिटी का मतलब होता है कि कौन कितना दान करता है, कितना दाता है, ठीक है, कौन कितना दान करता है, कितना दाता है, ये हमारी डेंटिसिटी कहलाती है भैया, सिंपल सी बात है। एक लिगेंड जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देगा, मतलब वो एक जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो एक दंतुर कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चा, वो लिगेंड जो है वो एक दंतुर कहलाएगा, एकदम सिंपल सी बात बच्चे ध्यान सुनना। जो जितना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है लिगेंड, जो लिगेंड जितना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो उसकी डेंटिसिटी कहलाती है, दान करने की क्षमता कहलाती है, कैपेसिटी ऑफ डेंटिसिटी कहलाती है। क्लियर है बच्चा, सारे बच्चों को क्लियर है। अब इसके अगर टाइप की बात करूं, टाइप की बात करूं बच्चे, तो हमको कुछ टाइप देखने को मिलेंगे बुक में, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चा आप लोगों को दो चीजें बताऊंगा, सॉरी तीन चीजें बताऊंगा। एक होता है हमारा मोनोडेंटेट, क्या बच्चा, मोनोडेंटेट मैं बताऊंगा हिंदी में भी क्या बोलते हैं, फिलहाल बच्चे आप ये समझ लो मोनोडेंटेट,
ठीक है, मोनोडेंटेड। अब मोनोडेंटेड क्या होता है बच्चे, यहां पे एक दंतुर के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में? एक दंतुर के बारे में। एक दंतुर का मतलब क्या होता है? जो एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। क्या बच्चा? जो एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, एकांकी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, दान करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एक दंतुर लिगेंड। ठीक है, ऐसा लिगेंड जो बेटा क्या करेगा, दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, बाई बाई बाइडेंटल, बाई डेंटल लिगेंड, बाइडेंटल लिगेंड, जो दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग में देगा, जो दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग में देगा, बेटा इसको लिख लेना, दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग में देता है, हम उसको बोलते हैं बाइडेंटल लिगेंड। अब बच्चे यहां पे आता है पॉलीडेंटल लिगेंड। मैं सीधा बताऊंगा पॉलीडेंटल लिगेंड के बारे में। यहां पे बच्चे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ट्राइडेंटल लिगेंड कैसे चीजें होती है, तो हमको यहां पे सीधा सीधा समझना है कि बाइडेंटल पॉलीडेंटल लिगेंड क्या होता है। यहां पे बच्चे ट्राइडेंटल लिगेंड मैं सारी चीज यहां पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपकी बुक में लिखा है और एकदम नॉर्मल सी बात है बेटे, जो पांच एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा पेंटाडेंटल लिगेंड, छह देगा तो हेक्साडेंटल लिगेंड, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए और आपको पता है बेसक। ठीक है, तो मैं बच्चे पॉलीडेंटल लिगेंड के बारे में आता हूं, क्योंकि ये जो है एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। पॉलीडेंटल जो लिगेंड होता है बेटा, ये क्या करता है, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, या दो से अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटल लिगेंड बोल रहे होते हैं, पॉलीडेंटल लिगेंड बोल रहे होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स के ऊपर बात कर लेते हैं, जिससे आपको जो है और चीज एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। देखो बच्चे, हम मोनोडेंटल लिगेंड की बात करूंगा तो यहां पर आपका जो है NH3 भी हो सकता है, NH3 NH3 H2O, ठीक है, H2O ClF ClF माइनस, ये सारी चार्जेस क्या होती है भैया, मोनोडेंटल लिगेंड मतलब एक दंतु लिगेंड होते हैं, जो एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा सेंट्रल मेटल एटम को। लेकिन बच्चे पॉलीडेंटल लिगेंड की बात, सॉरी बाइडेंटल लिगेंड की बात करूं तो ये कैसे करता है, बाइडेंटल लिगेंड मतलब दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। इसके बेहतरीन एग्जांपल है बच्चा, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है हमारा EN। क्या बच्चा? EN। EN को क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन, इसको लिख देता हूं मैं, एथिलीन एथिलीन, इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। तो ये हमारा होता है बेटा, क्या होता है, बाइडेंटल लिगेंड। अब इसका स्ट्रक्चर जब बनाऊंगा तो आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी कैसी चीज होती है। देखो बच्चे, इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है, CH2 CH2 साथ में बेटा यहां पे होता है NH2 और ये NH2। ठीक है, अब यहां से दो एकांकी इलेक्ट्रॉन, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन में ये NH2 देगा और दूसरा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये वाला देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है बेटा, बाइडेंटल लिगेंड, दो एकांकी इलेक्ट्रॉन में निकल रहे हैं और एक्सिलेटो, ठीक है, ऑक्सिलेटो जिसे हम बोलते हैं ऑक्सिलेटो, ये ऑक्सिलेटो भी हमारा क्या होता है, बाइडेंटल लिगेंड होता है। अब बच्चे अपन बात करते हैं कि भाई हमारा जो पॉलीडेंटल लिगेंड होता है वो कौन से यहां पर एग्जाम्पल है। देखो बच्चे, पॉलीडेंटल लिगेंड का जो एग्जाम्पल है, पॉलीडेंटल पॉलीडेंटल जिसे हम बोलते हैं बहुदंतुर, ठीक है, पॉलीडेंटल को हम बहुदंतुर बोलते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है EDTA, EDTA, EDTA का मतलब आपको फुल फॉर्म पता होगा बेटा क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। क्या बेटा? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, ये हमारा क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन, सॉरी EDTA होता है। अब EDTA का अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर क्या होता है, NH2 एथिलीन डाइएमीन NH2। हां बच्चे, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर क्या होता है, एक NH, एक N, यहाँ पे एक N, यहाँ पे एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में ये N दे रहा होगा, या फिर बच्चे इसको हम फटाफट ऐसे कर सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये वाला एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये NH2 जो है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में, और इसके साथ में बच्चे हमको एसीडिटो मिलता है। एसीडिटो का मतलब क्या होता है, CH3 COO माइनस CH3 COO माइनस, ठीक है, ये हमारा होगा। इस साइड भी सेम केस, CH3 COO माइनस CH3 COO माइनस, ये हमारा होता है बेटा EDTA। ये बच्चे हमारा क्या होता है, EDTA होता है, और यहां से बच्चे चार इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहां से एक एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यहां से दूसरा, तीन चार, और यहां से पांच, और यहां से छह। तो इस प्रकार से बच्चा हमको जो है हेक्साडेंटल हेक्साडेंटल लिगेंड प्राप्त होता है EDTA, हेक्साडेंटल लिगेंड प्राप्त होता है EDTA से। एकदम क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं क्लियर है बच्चे। अब छोटा फटा हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट बच्चे आगे बढ़ लेते हैं। अब हमको समझना होगा कि भाई हमारा जो आयोनिक लिगेंड होता है वो कौन कौन से होती है, जो न्यूट्रल लिगेंड होता है वो कौन कौन से होते हैं। देखो बच्चे, आपको कुछ यहाँ पे जो है चार्ट दिखा होगा आयोनिक लिगेंड का, तो ये आयोनिक लिगेंड जो है मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम से पूछा गया है, और ये जो है
आता है एग्जाम्स के अंदर, मतलब इससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं वो बनने आते हैं। तो बेटा इसको पहले आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो बच्चे अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना है कि भैया ये कैसे चीजें होती है। देखो बच्चे, जब हम आयोनिक लिगेंड की बात करूंगा, आयोनिक मतलब रिनायनिक लिगेंड की बात करूंगा, ठीक है, एनायनिक लिगेंड की बात करूंगा, रिनायनिक लिगेंड की बात हो रही है, यहां पे क्या होगा बेटा, जो फ्लोर होगा, जो फ्लोरीन होगा, जहां पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, फ्लोरिडो। क्या कहलाएगा बेटा, फ्लोरिडो, मतलब कि जो हमारा लास्ट में सफिक्स में बेटा ओ लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ओ लग जाएगा, फ्लोरीन का फ्लोरिडो, क्लोरीन का क्लोरिडो, सिंपल बच्चे, क्लोरीन का क्लोरिडो, फ्लोरीन का फ्लोरिडो, साइनाइड का क्या होता है बेटा, साइनो, साइनाइड का साइनो, ब्रोमीन का ब्रोमिडो। ये सारे बच्चे आपको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद याद कर लेना, क्लियर है बच्चे, याद कर लेना, जिससे आपको जो सारी चीजें हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो जाए, समझ में आ जाए, क्लियर है बच्चे। अब फटाफट करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें आते हैं, ये खत्म नहीं हुआ भाई, अभी और है, ठीक है, अभी और है, ये बच्चा फिलहाल इसको याद कर लो और लिख लेना अपने कॉपी के अंदर। अब बच्चे इसको भी क्या करना है, आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे जो न्यूट्रल लिगेंड होता है, जिनमें लिगेंड में कोई भी चार्जेस नहीं होती, ऐसे लिगेंड को न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं, और इसके कुछ एग्जांपल भी है जो मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम्स में इसी से बने हुए होते हैं, वो कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो ये हमारे कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स है, इसको याद करके रख लेना और इसको यूज करने भी आना चाहिए। बेटा मैं सिखाऊंगा कैसे उसको करते हैं, ठीक है। यूज करने का कहने का मतलब है कि भैया जब एग्जाम्स में आए कोई भी कंपाउंड आए तो उसको नेमिंग कल्चर जब करते हैं तब इसका जो है यूज करने आना चाहिए कि भैया हम जो है कौन कौन सी चीजें रिमेंबर किए हैं, कौन कौन सी चीज हम पढ़े हुए हैं, उसके हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है बच्चा। तो इसका जो न्यूट्रल लिगेंड कुछ एग्जाम्पल्स ये है, आपको एग्जाम्पल्स नहीं बोल सकते, ये न्यूट्रल लिगेंड ही है, ठीक है, एग्जाम्पल्स बोलना सही नहीं होगा, तो हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। अब बच्चे मैं क्या बात करता हूं, अब जो है हम लोग को जो है एक्चुअल में पूरी तरह जो है प्रिपेयर हो चुके हैं। पहले अपन ने सीखा कि आयोनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मतलब एक कंपाउंड में जो माइनस चार्ज होता है तब हम कैसे चीजें लिखते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका नाम अपन क्या लिखते हैं, जैसे कि क्रोमियम रहता है तो क्रोमेट लिख देते हैं बच्चे, क्या लिखते हैं, क्रोमेट लिखते हैं। जब हमारे कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज रहते हैं तो हम वहां पे लिखते हैं जो हमारा एटी रहता है बेटा, जो 3D सीरीज होता है वहां पे ATE लगा देते हैं सफिक्स के अंदर, क्लियर सारे बच्चों को। अब बच्चे लिगेंड की बात आती है, तो लिगेंड में हम लोग दो तरीके के लिगेंड पढ़े हैं। पहला जो लिगेंड होगा बच्चा वो होना है आयोनिक कंपाउंड, बच्चे क्या होता है, एनायनिक कंपाउंड, मतलब रीनायन जहां पे होगा, ऐसे कंपाउंड जहां पे रीनायन होते हैं वहां पे कैसे चीजें लिखती है, जैसे क्लोरीन का क्लोरिडो, फ्लोरीन का फ्लोरिडो, कुछ इस तरीके से। अब बच्चे अपन को ये समझ में आएगा कि क्लोरीन का फ्लोरिडो होते हैं, मतलब एनायनिक कंपाउंड्स के बारे में, एनायनिक लिगेंड के बारे में समझे। अब उसके बाद अपन ने यह सीखा कि हमको जो है जब न्यूट्रल लिगेंड होगा तब क्या लिखना होता है, जैसे कि हमारे पास एमीन होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, ईएन जैसे कि मैंने भी अभी बताया, तो ईएन जो होता है वो भी न्यूट्रल लिगेंड होता है, जो पानी होता है जो H2O वो भी हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो कुछ इस तरीके के लिगेंड के हम कैसे लिखते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया, और वो जो चार्ट था बेटा उसको बहुत अच्छे तरीके से करके रखना है, ठीक है बच्चे। अब बच्चे अपन को ये समझना है कि भैया नेमिंग कल्चर कैसे की जाती है। देखो बेटे नेमिंग कल्चर कैसे होता है, IUPAC क्या बेटा, IUPAC नामकरण जो लिखते हो ना IUPAC, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है बेटा वो क्या होता है, IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हमारा जो है फुल फॉर्म होता है इसका। अब ये क्या बोलता है, देखो कंपॉक्स जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका जो है नेमिंग कैसे करना है, ये क्या बोलता है, हमको रूल देता है, और यही बेटा हमारा क्या है, एक दादा है, इसी के भरोसे पूरी केमिस्ट्री चलती है और यही हमारा जो है रूल्स डिफाइंड करते हैं। तो बच्चे ये हमारा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका नामकरण कैसे करते हैं इसके बारे में सीखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम्स के अंदर जो है पूछे जाते हैं, समझ में आया सारे बच्चों को। तो देखो कैसे करने होता है अपन को, देखो सपोज करो भाई कि यहाँ पे हमारा एक सेंट्रल मेटल एटम जिसे मैंने M से दर्शा दिया, अब यहाँ पे एक लिगेंड है, ये मेरा L लिगेंड है, और यहाँ पे N जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, और ये मेरा पूरा ओवरऑल बन गया मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या बना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपस संयोजी यौगिक, ये बन गया। अब बच्चे यहाँ पे हम इसको बताए नामकरण कैसे करते हैं, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ बेटा, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, ठीक है। हम जो सबसे पहले जो लिगेंड को लिखते हैं, क्या बेटा, सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ, सबसे पहले अपन लिखेंगे लिगेंड को, सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड को, उसके बाद बेटा हाँ अब यहाँ पे बेटा जो नंबर होगा एंड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसको भी तो पहले लिखना पड़ेगा, तो एकदम बेसिक सी बात है, ठीक है बच्चा। तो हमारा जो लिगेंड है पहले लिखेंगे, उसके बाद जो सेंट्रल मेटल एटम है इसको दूसरे नंबर पे अपन लिख देंगे, जब यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं होगी तब की केसेस है, कोई भी चार्जेस नहीं होगी तब की केसेस है, क्लियर है बच्चे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूं, अगर मेरे सेंट्रल मेटल एटम मतलब हमारी केंद्रीय धातु आयन एक लिगेंड से जुड़ा है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव 2+ चार्ज, मान लो पॉजिटिव 2+ चार्ज है, तब कैसे लिखना होता है, ठीक है, तब को हमको सेम फंडा बच्चे लिगेंड को पहले लिखना है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को लिखना है। अब सेंट्रल मेटल एटम में जो है, मतलब हमारा जो एम है केंद्रीय धातु आयन है,
उस केंद्रीय धातु आयन में जो मैंने आपको सीरीज बताई हुई है, क्या बच्चा सीरीज बताया, 3D सीरीज वाला बताया था ना, आयनिक कॉम्प्लेक्स वाला, एनायनिक कॉम्प्लेक्स वाला जो बताया था, उस कॉम्प्लेक्स में क्या जैसे कोबाल्ट का कोबाल्टेट, मर्क्यूरी का मर्क्यूरेट, सिल्वर का अर्जेंटेट, जो होगा था ना बेटा, हाँ उसी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर इसे प्लस होगा तो वो हम जो है जो डी सीरीज था, जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, या फिर मैं बोल सकता हूं रिनायनिक यौगिक नहीं लगाएंगे, यूज नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। ये बेटा बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, कई बच्चे यहाँ पे बहुत जो है कंफ्यूज होते हैं, हम जो है कब जो है उसको चेंज करते हैं, कब चेंज नहीं करते, इसलिए मैं इसको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि कब चेंज करना होता है और कब चेंज नहीं करना होता है। समझ में आया बेटा, वो किसके लिए था, रिनायनिक यौगिक के लिए था। तो वहां पे जब रिनायन होगा, कॉम्प्लेक्स जब रिनायन होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगी, तभी उसका यूज करना होता है। देखो बच्चे, अगर मेरे कॉम्प्लेक्स में एम है और यहाँ पे एल है, यहाँ पे N और यहाँ पे माइनस चार्ज रहेगा, तब वो मेरा रिनायनिक जो कॉम्प्लेक्स है, इस रिनायनिक कॉम्प्लेक्स को हमको यूज करना है। क्या करना है बेटा, यूज करना होता है। एग्जांपल देता हूं, सारी चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, देखो बेटा इस तरीके से होगा तो हमको क्या करना होगा, यूज करना होगा रिनायनिक कॉम्प्लेक्स को। जैसे कि अगर मैं कोबाल्ट को लिख दूं यहां पे, जैसे कि मैं यहां पे लिखूं कोबाल्ट, यहां पे लिखूं CN6, तो कुछ इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। जो मेरा कोबाल्ट होगा वो क्या कहलाता है, कोबाल्टेड। यहाँ पे हेक्सा, पहले लिगेंड लिखेंगे, साइनो है तो हेक्सा साइनो कोबाल्टेड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे कोबाल्ट को कोबाल्टेड। क्लियर है बच्चों, सारे बच्चों को क्लियर होगी उम्मीद कर रहा हूं। अब बच्चे हमको जो है एक्चुअल फंडे के ऊपर जाना है कि भैया हमारा जो IUPAC होता है वो कैसे होता है। भैया मैं आपको यहाँ जो IUPAC जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है, आपको प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। किसके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रांग उस चैप्टर के अंदर या उस टॉपिक के अंदर अपना कमांड जो है बना पाओगे, ठीक है। कितना चैप्टर जो है, कितना जो है स्ट्रांग कमांड अपने उस टॉपिक के अंदर बना पाओगे, उस कंसेप्ट के ऊपर बना पाते, वो सिर्फ प्रैक्टिस ही डिसाइड करता है। अगर आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत बेहतरीन है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन रहेगी बच्चे, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से फोड़ के आओगे, बहुत गजब तरीके से पढ़ोगे, समझ में। अगर वो प्रैक्टिस आपकी नहीं रही तो वो थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, हार्ड एंड टफ हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर है बच्चे। और सारा मेथड तो आपको पता है, मैंने आप सारी चीजें बता दी यहाँ पे। अब बच्चे एक्चुअल प्रैक्टिस के ऊपर आते हैं, एक्चुअल जो कंपाउंड्स के ऊपर आते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसको करके जाना बेटा, बहुत अच्छे से करके जाना, मैंने आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता दी। अब बच्चे देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिख रही होगी, और ये उम्मीद करूं बच्चे, सारे बच्चे से, कि सबको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता होगा। कहने का मतलब, जो ऑक्सीकरण नंबर है वो निकालने आता होगा, सारे बच्चों से उम्मीद कर रहा हूं। अब देखो बेटा, ऑक्सीकरण नंबर पहले अपन निकालने की उसका जो नाम लिखें, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चे यहां पे दिख क्या रहा है, यहां पे हमको दिखा CO NS3 4, मतलब यहां पे सेंट्रल मेटल एटम क्या बेटा, ये जो है मेरा M है और ये मेरा लिगेंड है, और ये जो चार दिख रहा है ये मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर N है, सिंपल। तो ये मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ, एकदम क्लियर बेटा, एकदम क्लियर सारे बच्चों को। अब देखो इसको लिखते कैसे बेटा, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अब बच्चे ये जो NS3 है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं बेटा, एमीन। मैंने आपको यहां पे लिखा है, देखो क्या NS3 को हम क्या बोलते हैं, एमाइन। क्या बेटा, एमाइन या फिर एमीन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं एमाइन, ठीक है। अब इस एमीन को लिखना है, क्या बेटा, सबसे पहले हमको लिगेंड लिखना होता है, सबसे पहले अपन को क्या लिखना होता है, लिगेंड। तो हम इसको बोलेंगे एमीन, और कौन सा एमीन बेटा, ये चार है यहां पे, मतलब टेट्रा। क्या बेटा, टेट्रा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन, एकदम क्लियर सारे बच्चों को, टेट्रा एमीन, ठीक है। अब टेट्रा एमीन लिख दिया बेटा, अब हमको क्या लिखना होता है, कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम जो होता है हमारा, ये CO जिसको हम बोलते हैं कोबाल्ट। तो हमारा क्या होगा बेटा, टेट्रा एमीन कोबाल्ट। अब कई बच्चे पूछ रहे होंगे कि हम यहां पे कोबाल्टेड क्यों यूज नहीं किए हैं, क्योंकि बच्चे यहां पे कोई भी चार्ज सबको नहीं दिख रही है। देखो कंपाउंड में कोई भी चार्ज दिख रही है, नहीं दिख रही, जब माइनस होता है तभी हम कोबाल्टेड यूज करते हैं, समझ रहे हो, तभी हम कोबाल्टेड यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है बच्चा। तो उसके बाद में आपको समझ आएगी, टेट्रा एमीन कोबाल्ट हम ये लगाने वाले। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर जो बच्चों को नहीं भी आ रहा तो वो बच्चों को एकदम मक्खन तरीके से समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, हम ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हैं, सेंट्रल मेटल एटम मतलब भैया हमारे केंद्रीय धातु का निकालेंगे, इसका नाम देता हूं एक्स, इस CO को मैंने दे दिया एक्स। अब यहां पे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, चार है, उस चार को मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब जो NS3 है ये कौन सी आयन है,
नेगेटिव हम ये सॉरी एन एस थ्री जो हमारा न्यूट्रल आयन है, देखो ध्यान से बेटा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो न्यूट्रल, ये न्यूट्रल लिगेंड है ना, न्यूट्रल लिगेंड तो हमारा न्यूट्रल होगा, मतलब वहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे क्या होगा जीरो होगा, क्लियर है बेटा, ये क्या होगा जीरो होगा। अब यहाँ पे कोई भी चार्जेस है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा इक्वल करके जीरो, ठीक है। अब जब हम x प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है, तो हम यहाँ पे जीरो कर सकते हैं और मेरा x का वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये मेरा जो है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं जीरो लिख सकता हूँ, क्लियर बेटा, जीरो लिख सकता हूँ, समझ में आया बेटा। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है ना, ये जो है ना आपके लिए होमवर्क है, ये ना बेटा आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है, ठीक है। इसको आप लोग करके आइएगा और अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने कमेंट सेक्शन में बच्चा, मेरे जो कमेंट सेक्शन है ना वहां पे बताइएगा कि इसका आंसर जो है क्या होता है, क्लियर है बच्चा, ये आपको करने आ जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल आयन क्या बेटा, सेंट्रल धातु है हमारा एनआई है, यहाँ पे एनएस थ्री है, ट्वाइस एनएस थ्री, एच टू ओ है, क्या बेटा एच टू ओ है, समझ में आया, एच टू ओ भी है, तो इस तरीके से आपको जो है दिखेगा। यहाँ पे दो लिगेंड दिख रहे बच्चा, एक लिगेंड हमारा ये है और दूसरा लिगेंड ये है। जब हमारे पास दो लिगेंड होते हैं ना, दो लिगेंड होते हैं, तो हम अल्फाबेट के हिसाब से देखते हैं कि अल्फाबेट के हिसाब से पहले कौन आ रहा है, समझ में आया बेटा, अल्फाबेट के हिसाब से हमको देखते हैं कि कौन पहले आ रहा है। तो इसको बच्चे आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट सेक्शन में बताएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो पाएगी, ठीक है बच्चे। चले बच्चा आगे बढ़ते हैं अपन, यही पूरा न्यूट्रल का था बेटा, ये पूरा न्यूट्रल का था, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं, यहाँ पे भी कोई भी चार्जेस नहीं है। अब बच्चे पॉजिटिव वाले देखते हैं, ध्यान से देखना समझना। अब बेटा ध्यान से देखो कि यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूं। अब देखो यहाँ पे क्या बच्चा, प्लस चार्ज है, क्या है प्लस चार्ज है, मतलब कि बेटा हम प्लस चार्ज है, मतलब ये हमारा कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन वाला चार्ज है, मतलब हमारा जो है केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्लियर है बच्चों। अब केटायनिक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, ध्यान से देखते रहना समझना, इसका मैं क्या निकालूंगा, पहले ऑक्सीडेशन निकाल लेता हूँ, पहले ही ऑक्सीडेशन निकाल लेता हूँ, पहले ऑक्सीडेशन निकालना कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका मैं क्या दूंगा, जो एजी है उसको क्या बोलूंगा एक्स, और जो एनएस थ्री है ये तो हमारा क्या है एमीन है, एमीन का जो चार्ज होता है बेटा वो तो क्या होता है जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे बेटा क्या है जो टू लिख रहा हूँ वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका चार्ज होगा जीरो। अब देखो बेटा यहां पे एक प्लस चार्ज है, एक जो है प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज को मैं वहां पे लिख दिया एक। अब x प्लस जीरो होगा इज इक्वल टू वन, मतलब मेरा x का जो वैल्यू होगा बेटा वो क्या हो जाएगा वन, तो यहां पे मेरे को जो है ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया, ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया। अब इसका नामकरण करते हैं, अब इसका नामकरण करते हैं, बहुत बेहतरीन, इसका नामकरण करते हैं, करते हैं। देखो भाई देखो देखो फटाफट देखो, जो हमारा सिल्वर होगा ठीक है कोई बात नहीं सर, हम तो पहले लिगेंड लिखते हैं, बिल्कुल बच्चे लिगेंड लिखते हैं, तो हमारे पास टू है, मतलब क्या होने वाला है, टू मतलब डाई होने वाला है, क्या बेटा डाई होने वाला है, टू का मतलब होता है डाई, सारे बच्चों को पता होगा डाई, एमीन होने वाला बेटा क्या होगा डाई, एमीन डाई एमीन, जो सिल्वर होगा इसको हम लोग चेंज कर देंगे क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको नेगेटिव में चेंज करना होता है, पॉजिटिव में चेंज नहीं करना होता, तो हम यहाँ पे सिल्वर लिखेंगे, सिल्वर का सिल्वर लिखेंगे। अब बच्चे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या आ रहा है, एक आ रहा है, और हम लास्ट में लगा देते हैं आयन, क्या लगाते हैं बेटा आयन, तो कुछ इस तरीके से लिखना होता है, डाइएमिन सिल्वर वन। हाँ एक गलती बेटा यहाँ पे आप लोग गलती मत करना, ठीक है, एक गलती मैंने यहाँ पे की, वो गलती आप लोग मत करना, ठीक है। वहां पे एक जो होता है बच्चे, ये जो एक होता है इसको हम लोग लिखते हैं रोमन संख्या में, किसमें लिखते हैं बेटा रोमन संख्या, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी ना बच्चे, उस ऑक्सीडेशन नंबर को हमको रोमन संख्या में लिखना है, अगर दो रहेगा तो दो लंडी वाला, तीन रहेगा तो तीन लंडी वाला, समझ आ रहा ना रोमन संख्या क्या होती है, तो वो इस रोमन संख्या में लिखना, ठीक है बताइए। एक हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट में आयन लगा देंगे। अब आयन आयन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आयन है इसलिए आयन लगा देंगे, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव वाला आयन लगा देंगे, सॉरी आयन ही लगाएंगे, नेगेटिव नहीं लगाएंगे भैया, आयन ही लगाएंगे, क्लियर है बेटा। तो इस प्रकार से हमको समझ आ गया, तो बेटा ये जो बहुत अच्छे तरीके से सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे इसको आप लोग ट्राई कीजिए बनाने का, समझ में आया, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने का, और मेरे को ये ना कमेंट सेक्शन में बने हुए मिलना चाहिए, मतलब मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए, सारे बच्चे से, जितने व्यू आएंगे जितने भी बच्चे देखेंगे सारे बच्चों से उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो है सॉल्व होना चाहिए, समझ आए, ये सॉल्व होना चाहिए बेटा। यहाँ पे करना कैसे है, जो सी आर है मेरा, जो क्रोमियम है, क्रोमियम है सेंटर मेटल एटम है, जो एन एस थ्री है तो पता है मेरे को एन एस थ्री क्या होता है, जो सी एल टू है, Cl2 है ये भी मेरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सॉरी Cl2 जो वो मेरा एक अलग से कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, समझ में आया, वो मेरा लिगेंड नहीं है, वो मेरा लिगेंड नहीं है बेटा, लिगेंड कब रहेगा जब उसमें ब्रैकेट लग जाता है तब लिगेंड होता है, वो मेरा लिगेंड नहीं है, ठीक है, समझ में आया बेटा। तो इसको आप लोग बच्चे क्या कीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए ही चाहिए,
क्लियर सारे बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, धनायन वाला समझ में आया। अब बच्चे ऋणायन की बात करता हूं। हाँ, यहां पर कुछ और है बेटा, ध्यान से देखना, यहां पर कुछ और है आपके लिए, तमाशा देखना बेटा। देखो ध्यान से देखो, कुछ जादू और बाकी है। यहां पर CO(EN)3+3 दिख रहा है, CO(EN)3+3 दिख रहा है। ये हमारा EN क्या होता है बच्चा, EN क्या होता है, एथिलीन डाइएमिन मैंने बताया हुआ है। लेकिन उस पे देखना बच्चे, जब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ना, एथिलीन डाइएमिन EDTA है ना, EDTA, जब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे जो है कंपाउंड्स यूज में लेते हैं अपन, तो अब बच्चे यहां पे पहले से तो डाई है, अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना बच्चे। यहां पे एकदम ध्यान देना कि भैया हमको यहां पे अगर दो मिलता है तो हम इसको बोलते हैं बिस, क्या बोलते हैं बेटा, बिस। जो तीन अगर मिलेगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिस, क्या बेटा, ट्रिस, ठीक है, ट्रिस। अगर चार मिला तो मेरे को बोलूंगा इसको मैं टेट्राकिस, पांच मिला तो पेंटाकिस, छह मिला तो हेक्साकिस, इस तरीके से होता रहता है, ठीक है। लेकिन बच्चे यहां पे ध्यान से देखो, जो हमारा कोबाल्ट है, कोबाल्ट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो मैं यहां पे एक्स प्लस ईएन का जो ऑक्सीडेशन होता है वो तो न्यूट्रल होता है, मतलब जीरो होगा, तो यहां पर क्या होगा बेटा, 3 = 3। तो मेरा x का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही मेरी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है इस कंपाउंड के लिए। अब कोबाल्ट का हमको भैया इसका नामकरण करना है, सिंपल सा इसका नामकरण करना है। तो कैसे नामकरण करेंगे, एकदम बच्चे ध्यान से देखना, हम तीन के लिए क्या करते हैं, हम तो पहले लिगेंड लिखते हैं ना, उस तीन के लिए क्या लिखते हैं, ट्रिस, क्या लिखते हैं बेटा, ट्रिस लिखते हैं, ट्रिस मैंने लिख दिया। अब इसको मैं ईएन लिख सकता हूं, ट्रिस ईएन लिख सकता हूं, एथिलीन डाइएमिन, या फिर बेटा मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, इसको इसी फॉर्म पे लिख देता हूं, 1 2 1 2 डाइएमिन, मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा तो अभी कोई किसी भी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। एथिलीन डाइएमिन की बात कर रहा हूं मैं, 1 2 डाइएमिन बात करूं, या फिर बेटा हम हाँ इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब बच्चे क्या होगा, ट्रिस ईएन, इसके बाद बेटा क्या होगा, कोबाल्ट होगा। अब मेरे बच्चे बता दो भाई कि कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट होगा, क्या कोबाल्टेट होने वाला है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज, तो कोबाल्ट ही होगा, कोबाल्ट होगा। और यहां पे हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्ट का वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे और लास्ट में आयन लिख देंगे, आयन लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं बच्चे, हम इसी तरीके से जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, इसी तरीके से हम इसका नेमिंग कल्चर करते जाते हैं। क्लियर है बच्चे, मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेमिंग कल्चर भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा सिंपल कॉम्प्लेक्स नेमिंग कल्चर भी दे रहा हूँ, कैसे चीजें होती है। अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा बेटा, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इस प्रैक्टिस के लिए आप अपने बुक को देखिए, झांक के देखिए बेटा, अपने बुक के अंदर पूरा भंडार रखा होगा, पूरा लिगेंड्स के, समझ आया। तो आप बुक में एक बार प्रैक्टिस कीजिए बेटा, तो आपको सारी की सारी जो चीजें समझ आएगी। ये बच्चा आपके लिए क्या हो जाएगी, होमवर्क है, इसको करके ही देना है, बेहतरीन, ठीक है। अब बच्चे ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना, एकदम बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूँ, हाँ ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहीं पे बता देते हैं। इसको आप लोग होमवर्क के मत लेना, इसको मैं जो है सॉल्व कर देता हूँ, जिससे आपको जो है समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने अभी तक नेगेटिव वाला बताया ही नहीं है। नेगेटिव वाला बताऊंगे तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे ना बच्चे, देखो ध्यान से, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पीटी Cl6 माइनस टू। अब PtCl6 - 2 है ना बच्चे, एकदम ध्यान सुनना, जो Cl6 इसका अगर मेरे को जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो X+6 - 1 = -2 हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एक्स प्लस, इसको हम करते हैं डायरेक्ट कर लेते हैं, -6 = -2, मतलब कि बेटा X = जब मैं इसको पक्षांतर कर दूंगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा और X = मेरे को 4 मिलेगा, क्या बेटा, मेरे को X = 4 मिलेगा पॉजिटिव का। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं बच्चे, ध्यान से देखा, मैंने सिर्फ भैया क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अब नामकरण के ऊपर बात करते हैं, नामकरण कैसे करते हैं, इसको ध्यान सुनना, जो हमको पहले लिगेंड लिखना था, हमारे पास जो क्लोरीन है उसको कैसे लिखते हैं, हेक्सा, यहाँ पे 6 दिख रहा है बेटा, ये 6 दिख रहा है, तो इसको मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं गलती से क्या कहता इंग्लिश में लिख जाता, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। हेक्सा क्या बेटा, हेक्सा 6 है तो हम लोग क्या लिख देंगे, हेक्सा, हेक्सा क्लोरीन है तो हम इसको लिखेंगे क्या, क्लोरीडो, हेक्सा क्लोरीडो, हेक्सा क्लोरीडो, ये होगा हेक्सा क्लोरीडो। अब प्लेटिनम दिख रहा है, अब यहाँ पे माइनस चार्ज है बेटा, प्लेटिनम दिख रहा है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, अब प्लेटिनम का हम लोग माइनस जब रहता तो क्या लिखते हैं, प्लेटिनेट, क्या लिखते हैं बेटा, प्लेटिनेट, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट। अब प्लेटिनेट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा वो क्या है, 4 है, तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख रहे होते हैं। एकदम सारे बच्चों को क्लियर होगा, उम्मीद कर रहा हूँ सब सारे बच्चों को, मेरे बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे कि कैसी चीजें हो रही है, समझ में आया बेटा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे हम लोग पूरा का पूरा जो रिएक्शन है उसको हम लोग कर सकते हैं। देखो बेटा इसको भी आप लोग जो है बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कीजिएगा, और ये आपके लिए जो है होमवर्क है, ये बेटा आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इसको आप लोग कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उन सारे को प्रैक्टिस कीजिएगा, जो यहाँ पर बुक के अंदर होंगे उन सारी चीज़ों को जो प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे इसके ऊपर आपका जो कमांड है वो बेहतरीन हो जाएगा,
समझ में आया बेटा, बेहतरीन हो जाएगा ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे कुछ दिख रहा है बेटा, यहाँ पे इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व ना हो पाए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि भैया सॉल्व नहीं हो पाया सर, हमको इसका आंसर चाहिए। तो बेटा मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका ये इसको जो है आंसर बना के दे दूंगा। क्लियर बेटा। अब थोड़ा फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब अपन को क्या सीखना होगा, स्पेक्ट्रोमीटर सीखना होगा, सॉरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सीखना होगा, सॉरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सीखना होगा। क्लियर है बच्चे। तो हम लोगों ने बच्चे यहाँ पे बेहतरीन तरीके से सारी चीजें सीख ली। देखो बेटा ये हमारे जो लास्ट के जो है कुछ कंपाउंड्स है, इन कंपाउंड्स को भी आप लोग नेमिंग कल्चर करके मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस प्रकार से बेटा हम लोग पूरा का पूरा जो IUPAC जो नामकरण होता है वो सारी चीजें पहले सीख चुके हैं। अब बच्चे जो वीडियो आने वाले हैं उस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि हमारा जो सीरीज होता है, जो हमारा VBT बॉन्ड होता है, जो समावयता होती है वो कैसे होती है, कैसे चीजें होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल बच्चे ये वीडियो जो है अभी के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा।